नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मॉडर्न एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग मूली के खेत में आए हैं, तो मूली के खेत में एक सबसे बड़ी समस्या है मूली का फटना। देख सकते हैं हम अपने खेतों से उखा रहा है इसे, तो ये फल फट चुका है। ये पहला, दूसरा, ये सब फल फटने की शिकायत बहुत ज़्यादा आती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मूली को फल फटने से कैसे बचाए। तो इसके दो तरीके हैं, एक पहला खेत तैयारी करते टाइम और दूसरा खेत में लग चुका है यह बीमारी उस वक्त। मूली के फटने का मुख्य कारण बोरन और जिंक की कमी होती है। आपके खेतों में अगर बोरन और जिंक की कमी होती है तो उससे भी फल अधिक से अधिक मात्रा में फटता है और ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो खेत जोतने समय, खेत जब आप तैयार करते हैं मूली रोपने समय, उस वक्त आप प्रति एकड़ 5 से 8 किलो बोरॉन और 5 से 8 किलो जिंक, दोनों अलग अलग अपने खेतों में खेत तैयारी करते समय दे, और जो बाकी बाद आप लोग खाद देते हैं वो उसी अनुपात में देना है, और ऊपर से बोरॉन और जिंक इतना आपको मिलाना है 8-8 केजी, कम ज़्यादा से ज़्यादा 8 केजी, कम से कम 5 केजी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके फसल में ये रोग लग चुका है, जैसे कि मूली फटनी स्टार्ट हो चुकी है, जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो कुछ कुछ आपके खेतों में मूली फटी हुई दिखती है, तो आप क्या उपाय करें? तो उपाय यही है कि बोरॉन और जिंक स्प्रे करना है आपको हर 15 दिन पर। पहली स्प्रे 15 दिन पर और दूसरी स्प्रे 22वें या 23वें दिन बोरॉन और जिंक का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।